प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे इस तेनालीरामा की श्रृंखला में और हमारे चैनल BDS एस्टोरियल्स में। तो जैसा कि मैं हमेशा आप सबके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लाती हूँ, तो इस बार हमारी श्रृंखला चल रही थी तेनालीरामा की, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं आप सभी के सामने कहानियाँ नहीं ला पाई। इसका कारण ये है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अभी मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ और मुझे पता है कि आप सभी को भी बेसब्री से इंतज़ार होगा मेरी कहानियों का। तो अब आप सब तैयार हो जाइए फिर से मेरे साथ इस श्रृंखला में शामिल होने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए और पसंद करने के लिए। ठीक है, तो हमारी आज की कहानी है सच्ची सुंदरता। तेनालीरामा, वो तो आपको याद होंगे ही ना, राजा कृष्णदेव राय, वो भी याद होंगे विजयनगर साम्राज्य जहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे और उनके यहीं पर मुख्य अष्टदिग्गजों में से एक थे कौन? तेनालीरामा। तो आइए आज उनकी चतुर्बुद्धि से संबंधित एक और कहानी सुनी जाए। तो अब मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ और आप सब ध्यान से सुनिए, बस और क्या। तो राजा कृष्णदेव राय विजयनगर को पृथ्वी का स्वर्ग बनाना चाहते थे। इस कार्य को राजा की इच्छा अनुसार जल्दी ही पूरा कर दिया गया। राजा कृष्णदेव राय क्या चाहते थे कि विजयनगर जो था उनका राज्य, उसको वो पृथ्वी का स्वर्ग बनाना चाहते थे, है ना, मतलब सबसे सुंदर जगह जहाँ सारी सुख सुविधाएं हों, ऐसा। इस कार्य को राजा की इच्छा अनुसार जल्दी ही पूरा कर दिया गया। तो ऐसी राजा की जो इच्छा थी उसको जल्दी ही पूरा करने का काम कर दिया गया। अब शहर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। तो विजयनगर की जो प्रसिद्धि थी, मतलब लोगों को सब तरफ सुनने में आ गया चारों ओर कि भाई जो विजयनगर है वो तो पृथ्वी का स्वर्ग बन चुका है और वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो किसी की प्रसिद्धि होती है तो ऐसे ही उसकी हर जगह बातें होती हैं ना, तो बस वही हुआ। एक दिन राजा विजयनगर को सुंदर बनाने में कठिन परिश्रम करने वालों की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय तेनाली भी वहीं दरबार में उपस्थित थे, परंतु उन्होंने उस बहस में हिस्सा नहीं लिया। तो आप समझ गए होंगे ना कि उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्योंकि तेनाली के दिमाग में कुछ ना कुछ तो निश्चित चल रहा होगा। ईर्ष्या रखने वाला एक मंत्री बोला, महाराज, लगता है तेनालीराम विजयनगर की सुंदरता की प्रसिद्धि से प्रसन्न नहीं है। एक जो मंत्री था उनका, वो ईर्ष्या करता था, मतलब उनको पसंद नहीं करता था। किनको? तेनालीराम को। तो इसलिए उसने महाराज को, मतलब उसके प्रति उकसाया, भड़काया और कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तेनालीराम है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता विजयनगर की सुंदरता की प्रसिद्धि से, उसका मतलब मन प्रसन्न नहीं है, वो खुशी नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गए। वह तेनाली से बोले, तेनाली, क्या तुम हमारे राज्य की प्रसिद्धि देखकर प्रसन्न नहीं हो? तब तेनाली बोले, महाराज, शहर बहुत सुंदर बन गया है, लेकिन। और लेकिन के बाद फिर क्या हुआ? तेनाली चुप हो गए। थोड़ी देर चुप रहे, और आप भी जानते हैं जब हम लेकिन बोलकर अगर शांत रह जाएं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला है। तो आइए देखते हैं आगे फिर तेनाली राम ने क्या कहा। उन्होंने पहले तो कहा कि महाराज, शहर बहुत सुंदर बन गया है, लेकिन आपने एक चीज की अनदेखी की है और इस बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तेनाली राजा को शहर की सीमा पर ले गए। वहां पर बहुत सारी झुग्गियां बनी हुई थी। झुग्गियां जानते हैं, छोटी छोटी सी झोपड़ी सड़क के किनारे जो बनी होती हैं, है ना, आप सबने भी देखी होंगी। विजयनगर को सुंदर बनाने में योगदान देने वाले अधिकांश मजदूर और काश्तकार वहां पर रह रहे थे। तो जिन्होंने विजयनगर को सुंदर बनाया, जिसमें कारीगरी का काम किया, है ना, और जो मजदूर थे,
तो उनका एक घर थे वो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ। तो तेनाली ने बताया कि महाराज वे सब यहीं पर रह रहे थे, जहाँ पर कोई सुविधा ना होने पर भी वे राजा को शाही कर देते थे। मतलब उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके शहर को सुंदर बनाने में कितनी मेहनत कर रहे थे। उनकी बुरी दशा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने उसी समय उनका कर माफ़ करने का वादा किया। उनका कर मतलब जो कि मजदूर टैक्स भरते थे ना, टैक्स जानते होंगे, उसी को हिंदी में कर कहा जाता है, वो भरने के लिए उनसे मना कर दिया और उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारा टैक्स माफ़ कर दूंगा। तब वे वापस महल लौट आए। राजा बोले, तेनालीराम, मुझे इन सब बातों की जानकारी देने के लिए शुक्रिया। मैं समझ गया हूँ कि जब तक मेरी प्रजा सुखी एवं प्रसन्न नहीं होगी, तब तक सुंदर शहर का कोई अर्थ नहीं है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को सभी लोगों की सुख सुविधाओं का प्रबंध करने का आदेश दे दिया। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? और मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए, अब किसकी बारी है? अब बारी है जो मैंने आपको कहानी सुनाई है उसकी सीख देने की बारी। तो आपने ये कहानी ध्यान से सुनी है ना? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक राजा, या फिर आज हमारे यहाँ के राजा कौन होते हैं, जैसे हमारे शहर के राजा, अगर हम शहरों में रहते हैं तो हमारे शहरों के राजा होते हैं हमारे कलेक्टर साहब, है ना? और अगर हम किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ के राजा होते हैं सरपंच। अगर हम जब राज्य की बात करेंगे तो राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री। ऐसे ही जब फिर देश की बात आती है तो प्रधानमंत्री। तो जिस भी शहर या गांव या राज्य के राजा का वो राज्य या वो देश या वो शहर या वो गांव तभी सुंदर बन सकता है जबकि वहाँ की प्रजा, मतलब वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, फिर चाहे वो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो या फिर एक सामान्य वर्ग का या एक मध्यम वर्ग का, अगर वो खुश हैं तो आपका राज्य, शहर, देश, गांव ये किसके समान है? स्वर्ग के समान। ठीक है बच्चों, तो आप सब को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और अब मैं आप सबसे मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े करिए। तब तक के लिए बाय।